तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के FOECS की ओर से सिस्टम मॉडलिंग एंड एडवांसमेंट इन रिसर्च ट्रेंड्स स्मार्ट 2021 के अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान ने कहा कि हमें समस्याओं के प्रति पॉजिटिव सोच को अपनाना चाहिए। बहुविषयक अनुसंधान और अनुकूली शिक्षा ही किसी समस्या का समाधान करने में ज्यादा सक्षम है। उन्होंने अडॉप्टिव लर्निंग पर जोर देते हुए निरंतर सीखते रहने की आदत डालने पर खासा जोर दिया। डॉक्टर चौहान ने कहा कि हम अपने ही विषय के एक्सपर्ट के साथ ज्यादा सहज अनुभव करते हैं, जबकि अन्य विषयों के विशेषज्ञों के साथ हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। आज का समय मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्ट बनने का है, जिसके लिए अन्य विषयों के एक्सपर्ट के साथ ज्ञान का आदान प्रदान जरूरी है। इससे पूर्व स्मार्ट 2021 का शुभारंभ मुख्य अतिथि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS देहरादून के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान, FOECS के निदेशक एवं प्राचार्य प्रोफेसर R.K. द्विवेदी, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा जम्मू एंड कश्मीर में कंप्यूटर विभाग के हेड डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, हल्द्वानी के कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग संकाय के प्रोफेसर और चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर M.K. शर्मा आदि ने माँ सरस्वती के समक्ष संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित करके किया। विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता IIT कानपुर के EE विभाग के प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह, भारतीय विद्यापीठ के कंप्यूटर अनुप्रयोग और प्रबंधन संस्थान BVICAM नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर MN हुदा, इलाहाबाद के EE विभाग के पूर्व सेक्शन चेयर प्रोफेसर आशीष कुमार सिंह और MMMTU गोरखपुर के EE विभाग के सचिव डॉक्टर प्रभाकर तिवारी की ऑनलाइन मौजूदगी रही। स्टूडेंट्स अंजलि त्यागी, अजमी इस्माइल, दृष्टि जैन, आकांक्षा और पीयूष जैन ने सरस्वती वंदना की मधुर प्रस्तुति दी। कॉन्फ्रेंस चेयर डॉक्टर अशेंद्र कुमार सक्सेना ने स्वागत भाषण दिया। संचालन डॉक्टर प्रियांक सिंघल, डॉक्टर सोनिया जैन, श्रेया गुप्ता, अनन्य माथुर, रिदम गुलाटी और देवांश मिश्रा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर RC त्रिपाठी, डॉक्टर अर्पित जैन, डॉक्टर शंभू भारद्वाज, डॉक्टर संदीप वर्मा, डॉक्टर पंकज गोस्वामी, डॉक्टर पराग अग्रवाल, डॉक्टर विनय शर्मा, डॉक्टर मेघा शर्मा, शिखा गंभीर, हिना हाशमी, रूपल गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता, नवनीत विश्नोई प्रथम, नवनीत विश्नोई द्वितीय, रंजना शर्मा, अभिलाष कुमार, ज्योति रंजन, मनीष तिवारी, निखिल सक्सेना आदि की गरिमामयी मौजूदगी रही। यू नो ऑलमोस्ट लास्ट 3 डिकेड्स और सो, इनफैक्ट इन 1991 इटसेल्फ वी स्टार्टेड यूजिंग यू नो द न्यूरल नेटवर्क टेक्नोलॉजी फॉर क्लासिफाइंग द सैटेलाइट इमेजेस यूजिंग यू नो व्हाट प्रोफेसर वाज टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड परसेप्ट्रॉन टेक्निक एंड एरर बैक प्रोपेगेशन टेक्निक्स व्हिच बेसिकली were adopted by adaptive learning capabilities of human brain. What is adaptive learning for youngsters? You know, बच्चों के लिए adapting learning क्या है? आप is already 700 crores plus population, and the resources and with the changing climate, the time, the next 5 years, 10 years are going to be very very challenging, and we will be faced with we are already being faced with a lot of challenges with respect to climate in terms of bad weather situation. In terms of conserving water, there are a lot of places in India where you know groundwater or water availability is very less. But at the same time, in this country, 80% of water consumption is going for agriculture. Now, can we use some of these technologies like IoT and artificial intelligence and machine learning technologies to make devices which are smart and whatever amount of water is required to This conference provides a comprehensive learning platform to inculcate their expertise through a worldwide research domain interface through this conference platform. This helps any Delhi Smart is its truly international perspective for the delegates and participants. I hope the delegates are enjoying the discussions on making things better for humanity. Embracing the new challenges. This conference, Dr. Manoj Gupta and other dignitaries sitting at the dais and off the dais and connected through net, participants and dear students, a very good morning to everyone.